देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, दोषियों को सजा दो। नमस्कार, कॉमेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। आज एसटीएम कोर्ट हल्द्वानी में कांग्रेस ने डॉक्टरों के द्वारा बदसलूकी को लेकर अपना विरोध जताया, साथ ही सभी जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर अपना पक्ष रखा। आपको बताते चले, 12 जुलाई की रात सुशीला तिवारी अस्पताल में कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष उमेश बधानी व साथियों पर डॉक्टरों के द्वारा बंधक बनाकर किए गए जानलेवा हमला करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी और नारेबाजी की, साथ ही आज सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। अपना विरोध जताने में और ज्ञापन देने वालों में सुमित हृदेश, सतीश नैनवाल, राहुल छिनवाल, महेश शर्मा एवं सभी कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल रहे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। वर्षों से दुर्व्यवहार की जो बातें हैं वो तो उजागर लोगों ने करी हैं, कई बारी कंप्लेंट करी कि डॉक्टरों का व्यवहार ठीक नहीं रहता है वहाँ। हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उनके कारण समझे वो किस दबाव में कार्य कर रहे हैं, कोविड में हो या नहीं हो, और हमने हमेशा डॉक्टरों का सम्मान कराया। लेकिन जिस प्रकार से निर्मम तरीके से आप देखिए किस प्रकार से मारा है दो ये बच्चों को, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए और उसके बाद दूसरे की कैंची लग गई सर पे, 8 टांके आए, तो ये कौन सी डॉक्टरी सीख रहे हैं, ये क्या कौन सी डॉक्टरी कर पाएंगे? इनमें जब कोई सद्भावना और बेसिक ह्यूमन वैल्यू नहीं है तो किस प्रकार से कार्य कर पाएंगे? और पुलिस प्रशासन दोनों तरफ से मुकदमे कर रहा है जबकि इन बच्चों ने एक हाथ भी नहीं मारा है और यही पिटे हैं वहाँ पे। तो इसलिए ये यहाँ पहाड़ के लोग इसलिए यहाँ पे नहीं रह रहे हैं कि हम लोग पिटेंगे और वो भी बाहर के लोगों से, तो ये बहुत ही गलत व्यवहार है सुशीला तिवारी, और प्रशासन को इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लिए गए थे कि यहाँ एडमिट कर दें तो वहाँ डॉक्टर पहले धक्का मुक्की करते हैं और गार्ड को फोन करते हैं कि गेट बंद कर दो, तो हमने सोचा एक नॉर्मल लिया गेट आगे पता नहीं क्यों बंद होगा, लेकिन गेट इसलिए बंद किया हमें वहाँ तक दौड़ाया जाए फिर हमें मारा जाए। और मैं उमेश बधानी स्वयं ये कहना चाहता हूँ कि जो गेट पर मुझे मारा है उसकी फुटेज ली जाए और उसी फुटेज के आधार पर सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। मैं फुटेज को ही मानूंगा क्योंकि आरोप जबरदस्ती के लग रहे हैं हमारे ऊपर जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आप फुटेज में हमें देख सकते हैं। और इसलिए वहाँ गुंडा राज चल रहा है, सारा भाबर तराई का ऐसा हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन इस तरीके से वहाँ गुंडागर्दी अगर होगी तो ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अगर ये अपराध है किसी के लिए कुछ बोलना तो ये अपराध होते रहेंगे हमारी ओर से। क्या नाम है आपका? उमेश बधानी। सबसे बड़े हॉस्पिटल सुशीला तिवारी अराजकता का हुई है, जो ये डॉक्टर जिस तरह से तीमारदारों के साथ मारपीट किया है उसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। अगर तीमारदारों की कोई गलती भी थी तो पुलिस प्रशासन को अवगत कराना था, उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इस तरह बेवजह जिस तरह से वो लोग इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, सारे औजार लेकर के उन्होंने पूरी डॉक्टरों की टीम ने जिस तरह उन लोगों पर हमला किया, 2 से 3 लोगों को बहुत बुरी तरह से जख्मी किया है, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा निंदनीय है। इससे तो डर और जो सहम लोगों के मन में आएगा, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कोई भी अपने परिजन का इलाज कराने नहीं आएगा मुझे लगता है। दूसरी सबसे बात, मैं आज धाराएं देख रहा था 323 को जो धाराएं लगी हैं, जो 4 लोग पकड़कर मारते हैं, जो धाराएं उन पर लगाई गई वो भी बहुत ज्यादा हल्की हैं। जिसको मारपीट होती है अगर आपने किसी नुकली चीज से अगर प्रहार किया है तो उस पर 307 का केस लगना चाहिए, तो ये तो कहीं सरासर बिल्कुल गलत है। और मैं कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने जिस तरह पकड़ कर बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए इन लोगों को दोबारा मारपीट की है, पुलिस ने भी मारपीट इनके साथ की है, वो भी घोर निंदनीय है। वहाँ के चौकी इंचार्ज को भी इस तलब करना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए कि आपने किस वजह से उन लोगों पर जो है मारपीट की, उन लोगों पर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आपने मारपीट की होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से सारे लोग आए हुए हैं, हम सबको धन्यवाद। यहाँ पर हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारा वार्ड अध्यक्ष उमेश बधानी, जो कि सुशीला तिवारी में हमारा एक कार्यकर्ता एडमिट था, उसको देखने गया था, और जिस प्रकार वहाँ पर डॉक्टरों की गुंडागर्दी और उनकी तानाशाही देखी गई उसमें समस्त कांग्रेसजनों में रोष है और हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे।